जब मैं भी हॉस्पिटल में थी ना तो मुझे एक बार 5,000 बोनस मिला था दिवाली के टाइम पे, तो बहुत अच्छा लगता है जब अपनी जेब गर्म होती है। ये देखो पूनम मुझे लेने आई, आज मैं हाइट में ऐसे आया था पैदल पैदल, और पूनम यहाँ मस्त। मार्केट अच्छी है, मार्केट अच्छी है तो वहीं से हो जाए। मॉर्निंग दोस्तों, आज है 10 नवंबर, और पहले तो आप सभी को मेरे दोनों परिवारों की तरफ से और हमारे पूरा दुमका निवास की तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 11:45 से, तो हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा और जुले आप सभी को मेरा। तो होप आप सबके साथ एकदम बढ़िया होंगे और अपन लोग भी एकदम मस्त हैं। तो सुबह सुबह आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए। और सुबह से ना आज यहाँ पे मौसम थोड़ा सा गमगीन है, देखो आज बादल लगे हुए हैं। सुबह तो मतलब कुछ आसार ही नहीं थे कि धूप आएगी आज। और मैं यहाँ आ रही, और आगे से मेरे पति देव किधर जा रहे होंगे, ये आ गए। पर्पल, ये कैसे बन के जा रही है आज? पर्पल पर्पल बन कर इसको सूट बन पहन दिया, बन करो क्या। हैप्पी धनतेरस आपको और आप सभी लोगों को भी धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं नयाल परिवार की तरफ से। अच्छा, थक गया मैं, अब भूख लग गई मेरे को। चल, अरे यार मैं तो उधर जा रही थी ऑफिस की तरफ को। क्यों? कुछ लेने के लिए। कुछ लेने के लिए? हाँ, मैं सोच रही हूँ वहाँ से फूल लेके आती हूँ, तो अभी बाद में लाएंगे, पहले मेरे को नाश्ता करा। अभी तो मैं आ रहा हूँ वहाँ से। देखना मेरे को जबरदस्ती घर लेके आ गए हैं। मैंने इनको बोला कि माँ तुमको नाश्ता दे देगी, कि नहीं अभी नहीं जाते हैं वहाँ पे। मैंने बोला तू ही खिलाएगी मेरे को नाश्ता, खिलाएगी मेरा करते हैं। इसका मूड खराब, अकेले मेरे को दाने नहीं देते हैं कहीं। चल, जहां दाना मेरे साथ दाना बस। इतना झूठ मत बोल पुन्नु, ऐसी है। बस सुबह सुबह कौन आया है हमारे घर पे आज? प्रदीप भैया क्या बोलते हैं, घर जा रहे हैं दिवाली मनाने के लिए। हैप्पी दिवाली सबको बोलना, ठीक है? हैप्पी दिवाली सबको तरफ से और मेरी तरफ से। तो मैंने अभी दे दी उनको बधाइयां बहुत सारी। अगर कितने टाइम बाद जा रहे हो घर? जा रहा हूँ करीब 2-3 महीने बाद ही जा रहा हूँ। अच्छा, ये देखो हल्द्वानी रहते इतने पास पास में, तब भी 2-3 महीने बाद चक्कर लगते हैं इनके। कभी तो ऐसा भी ऐसी होता है भाई, स्ट्रगल करने में। भैया भी चले गए हैं अभी, एक बज गया है और मैंने यहाँ पे मेरा खाना भी बनने लग गया है। अभी पहले बर्तन धोते हैं। ये गए हैं भैया को दिवाली की मिठाई पहुँचाने के लिए, क्योंकि भैया आज घर जा रहे हैं ना, तो हमने सोचा हम दिवाली की मिठाई। तो मैं भी पहुंच गई हूँ नर्सरी में यहाँ पे, और यहाँ देखो फूल कितने मस्त मस्त हो रखे हैं। और इधर बैठी हैं भाभी जी, धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। भाभी यहाँ पे कल्ले बैठी हुई है, अभी पूरे कस्टमर को फूल दे दू के। मुस्कुराओ जरा, बाकी सब खाली है और पूरी फुलवारी देखना, आजकल फूल ही फूल हो रखे हैं यहाँ पे। और आज तो ताई जी धनतेरस में कुछ सामान लेने गई है, बाकी यहाँ पे भैया बैठे हुए हैं। ये हैं भैया जी, धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से। और बहुत बधाइयाँ सभी को दीपावली और धनतेरस की, बस अभी फुर्सत मिली हमें भी। भैया क्योंकि आजकल सीजन चल रहा है तो बहुत बिजी हो रखे हैं। और इधर देखो, इधर मुझे क्या दिखा है भैया ने, अपने पूरे स्टाफ के लिए यहाँ पे गिफ्ट पैक करके रखे हुए हैं, जो कि आधे दे दिए हैं। पूरे स्टाफ गया घर दिवाली? आधे से ज्यादा तो चला गया, आधे से ज्यादा लेके भी चले गए, और बाकी बचे हैं ये स्टाफ वालों। जल्दी जल्दी आना इधर, गिफ्ट हैं पड़े हैं तुम्हारे। तो मैं और भैया ना अपने ऑफिस के दिन याद कर रहे थे अभी, कि जब मैं भी हॉस्पिटल में थी ना तो मुझे एक बार 5,000 बोनस मिला था दिवाली के टाइम पे, तो बहुत अच्छा लगता है जब अपनी जेब गर्म होती है और एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। और उस टाइम मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी घर के लिए, पर आज मुझे कौन देगा। यूट्यूब तो मुझे दिवाली के उसमें कुछ दे ही नहीं रहा है अभी, पर जितना दिया है वो बहुत बहुत सारा है मेरे लिए। जितना भी YouTube की तरफ से मिला है बोनस तो मिल ही जाएगा ना। यहाँ भी सारे फूल ही फूल हो रखे हैं यहाँ। और भैया के यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है इसमें? अच्छा, भैया का यहाँ पे एक रूम बना रहे भैया छोटा सा, तो अभी यहाँ पे सामान आ गया है। आज ताई जी के बदले भैया ने मुझे यहाँ पे चाय पिला दी है, मुझे लगा असली में बना रहे।
भाई ने बोला चाय पीने, मैंने कहा हाँ बना देता है, शाम खेत जाना है। भैया मुझे यहाँ पे दिवाली की मिठाई दे रहे हैं, धन्यवाद। पहले चाय पकड़ू, दिवाली की मिठाई पकड़ू, चाय उधर रख दो, दिवाली। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनको तो लगेगा टाइम, मुझे मिठाई भी मिली है, तो मैं भैया की स्कूटी लेके चलती हूँ अब सीधा हाइड में, वहां से उनको लेके आऊंगी। उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा मार्केट शॉपिंग करने के लिए धनतेरस की। नमस्कार। बड़े दिनों बाद मेरी अमानत, भैया की अमानत। जब चाबी मेरे पास आ जाती है तब मेरी अमानत। थैंक यू। हाय बोलो, इधर हाय बोलो, हाय बोलो। यहाँ पे इनकी फैमिली वाले व्लॉग्स देखते हैं। सब फूल लेने आ रखे अब गेंदे के हैं, अब शर्म आ रही है। ये देखो पूनम मुझे लेने आई, आज मैं हाइट में ऐसे आया था पैदल पैदल, और पूनम यहाँ मस्त बाइक, बाइक नहीं यार, बाइक तो बाइक ला पाओगी तुम? स्कूटी तो बड़ी मुश्किल से। गुड, लड़की तो बहुत होशियार है, आज तो स्कूटी सीधे हाइट तक ही ले आई भैया राकेश दा वाली ऑफिस से। ब्रेक पे भी हाथ रखना, घुर्र नीचे मत भुरका देना। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मजा आया ऊपर तक लाने में? आज तो मुझे बहुत ही मजा आ गया भाई साहब। पहले मैं डर रही थी कि मैं हाइट तक ले जा पाऊंगी नहीं ले जा पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई ना ऐसी है, पर मैं आई गई है। हाँ मानसी हमारा बैग ले जा रही है। ये कैमरे का बैग अच्छे से रखना बाबू, इसको ठीक ऐसे पटकना मत जोर से। हाँ जी हाँ जी, ठीक है मैडम। आज धनतेरस के मार्केट में इतना ट्रैफिक है ना, क्योंकि कुछ लोग आज दिवाली में घर जा रहे होंगे अपने अपने दिवाली मनाने के लिए फैमिली के साथ पूरी, और हम जो लोग हैं वो सामान लेने भीड़ बढ़ा रहे हैं मार्केट आए हुए। और यहाँ देखना रामलीला ग्राउंड में आज पूरी दुकानें लगी हुई है। दीदी का है कितने का पैकेट बताओ तो सही। अब हम ले रहे हो बच्चों के लिए, वहाँ पास पड़ोस वालों के लिए पटाखे थोड़ा थोड़ा, हम तो फोड़ते नहीं। दिव्यांशु ने हमसे ना वो छोटे वाले पटाखे मंगाए हैं, हथगोले जिनको हाथ से जमीन में फोड़ते हैं, तो वो लेके जा रहे हैं उसके लिए, और मानसी के लिए फुलझड़ी लेके जा रहे हैं, नहीं घिरनी लेके जा रहे हैं। हमको कितना लगेगा बताओ दादा? तो इनके तो इनको दोस्त यार सब मिल जा रहे हैं, फिर हमको हर दुकान में छापा मारना पड़ रहा है। वहाँ से वो ऐसे देख रहा है, हमारी वहाँ से नहीं ले रहे हो, वहाँ से वो ऐसे देख रहा है। एक एक दो के वहाँ से ले लेते हैं, बढ़िया है। बाकी ज्यादा एक एक करके सब जगह से लेने पे लगे, एक एक चीज हर जगह से। यहाँ पे हर साल लगता है क्या? अच्छा, यहाँ रामलीला ग्राउंड में हर साल यहाँ पे ये छोटे छोटे स्टॉल लगाए जाते हैं दीपावली में। तो मैं आ गई हूँ मार्केट से, और सबने देखना दिए जला दिए हैं यहाँ पे, और इसके हाथ गोले और इसकी फुलझड़ी मेरे पास है। ले तेरे हाथ गोले, आपके चूर है वो कहा है, यही वाले हाथ गोले थे है? हे मदी देख लो, हेमादी आते फोड़ने पे लगी उनको यार। ओए मम्मी हाथ गोले, हाथ गोले, हाथ गोले, हाथ गोले, तेरी मम्मी ने फोड़ा और किसने फोड़ा? चलो भाई उन्हीं का व्लॉग आ गया, ये देखना यहाँ माँ से बात कर रही है, टिन टिन टिन। ये आपका व्लॉग बना रही है आप? यहाँ तो शकल दिखाई दे माँ, यहाँ तो तू फोन में ही है। माँ ने वहां भी शकल छुपा दी। दीवारें वहां, वहां दीवारें बोल उठ रही, बोल उठेगी दिवाली की। वही मार्केट अच्छी है, मार्केट अच्छी है तो वहीं से हो जाएगा अपना अच्छे से। ले हम लोगों ने कर ली थी पूजा, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट आए थे तो माँ लोगों ने कर ली थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने करी पूजा पाठ यहाँ पे, और उसके बाद डिनर हुआ हमारा, और अभी आ गए हैं अपने अपने रूम पे। और आज इतनी भीड़ थी, मुझे तो आज एहसास हुआ कि भीमताल में भी इतने लोग हैं, मतलब मार्केट में इतनी भीड़ थी। और जहाँ मैं शॉपिंग करी थी वहाँ मुझे सब्सक्राइबर भैया भी मिले थे, तो उन्होंने मेरे लिए थोड़ा डिस्काउंट भी लगाया था। तो चलिए फिर इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा।
तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। मिलेंगे आपको कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।